शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ 5 जोन में लगभग 80 मेजर चेक पोस्ट और 35 माइनर चेक पोस्ट पर पुलिस अहदेदार शिफ्टों में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। सेंट्रल जोन में आज हैदराबाद सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, आईपीएस लॉ एंड ऑर्डर इंचार्ज और एडिशनल सीपी डीएस चौहान, जॉइंट सीपी विष्णु प्रसाद और मुख्तलिफ हलकों के एसीपी मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करने के बाद मौजम जाही मार्केट पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि आवाम के ताउन के साथ डिपार्टमेंट का भी भरपूर ताउन मिल रहा है, जिसकी वजह से कोरोना केसेस की सतह में गिरावट आ रही है। इसके लिए इन्होंने आवाम से इजहार तशक्कुर करते हुए बताया कि 1% लोगों की वजह से ये बीमारी बढ़ने का अंदेशा है, जो बिला वजह गैर जरूरी कारों और गाड़ियों में घूम रहे हैं। कल तक की इत्तला के मुताबिक तकरीबन 5000 से ज्यादा गाड़ियों को और तकरीबन 7000 से ज्यादा लॉकडाउन के अहकाम के खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमा दर्ज किए गए। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि आवाम की मदद के लिए डिपार्टमेंट की जानिब से 14,000 कांस्टेबल 24 घंटे अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार आईपीएस ने आवाम से गुजारिश की कि लॉकडाउन के नरमी के औकात में कोविड के ज़रूरी एहतियाती इकदाम पर अमल करते हुए अपनी ज़रूरियात का सामान जैसे तरकारी, राशन, दूध और दीगर ज़रूरियात का सामान हासिल करके फ़ौरन घर वापस लौट जाए और कहा लॉकडाउन निफास के अवकाश शुरू होने के बाद गैर जरूरी बाहर निकलने वालों की गाड़ियों को आरजी तौर पर जब्त करते हुए उन पर केसेस दर्ज किए जाएंगे। आइए देखते हैं अंजनी कुमार से दीगर तफसीलात। हर अहम खबरों के लिए HKA हक की आवाज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर लाइक करें, Instagram और Twitter पर फॉलो करें।